चलो ऐसा देखिए, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। ओके थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष उदय भान जी से कि वो सबका स्वागत करें। हरियाणा से 7 वायदे, पक्के इरादे। महिलाओं को शक्ति। बीजेपी के शासन में हरियाणा देश में अपहरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और डकैती में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 2 और हत्याओं में नंबर 3 पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक एवरेज 4 से 5 मर्डर प्रतिदिन, 5 बलात्कार, 13 अपहरण, 46 महिलाओं के प्रति अपराध, 96% शुरू कास्ट के प्रति अपराध बढ़े हैं इस शासन में। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को, सशक्त महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। बी, सामाजिक सुरक्षा को बल। बीजेपी ने और जेजेपी ने बुजुर्गों को 5100 रुपये पेंशन देने का वायदा किया था, लेकिन वह इस वायदे को पूरा नहीं कर सके। लोगों की कठिनाई को कम करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े, कांग्रेस बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 रुपये पेंशन देगी। सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा। सी, युवाओं को सुरक्षित भविष्य। हरियाणा की बेरोजगारी दर 37% तक पहुंच गई है, फिर भी बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान 2,00,000 सरकारी पद जो सैंक्शन है वो खाली रहे और उन्होंने इन पदों को नहीं भरा। युवाओं को बेहतर भविष्य प्रदान करने और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हम 2,00,000 खाली सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरेंगे। हरियाणा ने पंजाब को नशे से हुई मौतों में पीछे छोड़ दिया है। राज्य में 15,00,000 लोग नशे की लत से प्रभावित हैं। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। डी, हर परिवार को खुशहाली। बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गरीबों को आयुष्मान योजना के नाम पर सिर्फ धोखा मिला है। बीमारी के कारण स्वास्थ्य के खर्च का बोझ कम करने के लिए कांग्रेस राजस्थान सरकार की जो माननीय अशोक गहलोत जी की योजना थी, चिरंजीवी योजना, उसी के अनुरूप कांग्रेस 25,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करेगी। महंगाई और बढ़ते बिजली के दामों से राहत देने के लिए हर घर 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। गरीबों को छत। हरियाणा में 14,00,000 परिवारों के पास पक्का घर नहीं है। दलित बस्तियों की दयनीय स्थिति के बावजूद भाजपा ने कांग्रेस की योजना को बंद कर दिया, जिसमें गरीब एससी और बीसी परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिए जाते थे। गरीबों को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए, इसके संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आदरणीय हुड्डा साहब जब मुख्यमंत्री थे
आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी वो झज्जर गई थी और उनके अनुरूप सभी गरीबों को 100-100 गज के प्लॉट देने की योजना बनी थी और उसमें 3,92,000 प्लॉट दे दिए गए थे। चलो ऐसा देखिए ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा ओके थैंक यू। अब मैं अनुरोध करूंगा हरियाणा पीसीसी के अध्यक्ष उदय भान जी से कि वो सबका स्वागत करें।